12 राशियों के बारे में आपको बताते हैं कि सावन के सोमवार पर या सावन के महीने में भगवान शिव को क्या अर्पित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो लोग हैं वो भगवान शिव को सावन के सोमवार पर या पूरे सावन के महीने में फूल अर्पित करेंगे, और फूल जो है वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, कोई भी रंग का फूल, सफेद, गुलाबी, पीला, जैसा भी चाहें फूल अर्पित करें शिव जी को, और शिव जी को नमस्कार करके जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी याचना है वो आप कहिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और आपके रोजगार की तमाम बाधाएं दूर होंगी। इस समय मेष वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी हुई हैं, तो नियमित रूप से केवल शिवलिंग पर अगर आप सावन में फूल ही अर्पित करते रहें आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, रोजगार की समस्याएं दूर होंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में संपन्नता चाहिए और बेहतर पारिवारिक और बेहतर वैवाहिक जीवन चाहिए, तो आप ऐसा करिएगा कि शिवलिंग पर पहले आप दही अर्पित करिए, दोनों हाथों से शिवलिंग पर अच्छी तरह से दही लगाइए, इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे, पतली सी जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे दही अर्पित करने के बाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, धन मिलेगा, जीवन में वैभव और समृद्धि आएगी, और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, आपके पारिवारिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो वृषभ वाले सावन के हर सोमवार पर या सावन के हर दिन जितना कर सकें शिवलिंग पर दही और जल अर्पित करें, आपका कल्याण अवश्य होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करिए, कम से कम 3 या 9 बेलपत्र रोज आप शिवलिंग पर अर्पित करिए, उसके बाद जल चढ़ाइए, या सावन के जितने भी सोमवार हैं सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपके करियर की मुश्किलें दूर होंगी, आपके करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, और संतान के जीवन को लेकर, संतान के करियर को लेकर जो आप परेशान हैं ये परेशानियां भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। मिथुन वाले इस समय संतान को लेकर के और अपने करियर को लेकर के उलझन में पड़े हुए हैं। छोटा सा काम आपको सावन के महीने में करना है, रोज शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करना है, आपका कल्याण होगा, और रोज ना कर पाए तो सावन के सोमवार पर कम से कम जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित जरूर करिएगा। कर्क राशि। सावन के सोमवार पर या पूरे सावन में
एक लोटा जल ले लें, उसमें एक चम्मच दूध मिलाएं, बहुत जरा सा दूध मिलाएं, और ये दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, दुर्घटना के, बीमारियों के कठिन योग आपके लिए बने हुए हैं, दुर्घटना और बीमारियों के कठिन योग दूर होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। तो जल में जरा सा दूध मिला करके आप सावन के सोमवार पर जितने भी सोमवार आते हैं शिवलिंग पर अर्पित करें, और अगर रोज अर्पित कर दें दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर, तो आपका कल्याण होगा, आप स्वस्थ होंगे, आप प्रसन्न होंगे, आपका मानसिक तनाव, आपकी चिंता, आपका डिप्रेशन, ये सब दूर होना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग भगवान शिव को सावन के महीने में इच्छु रस यानी गन्ने का रस अर्पित करेंगे। गन्ना जो है वो श्री का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है, और गन्ने का रस अत्यंत पवित्र माना जाता है पूजा उपासना के कार्यों में या शिव जी को अर्पित करने के लिए। तो सिंह राशि के लोग गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, पूरे सावन भर करें तो बहुत ही सुंदर होगा। पहले गन्ने का रस और इसके बाद जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। सावन में रोज नहीं कर सकते, सावन के हर सोमवार को करिएगा। ऐसा करने से आपको संपन्नता मिलेगी, ऐसा करने से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और संतान की प्राप्ति सरल होगी। सिंह राशि के लोग जीवन में संपन्न होंगे अगर ये उपाय करें, संतान की प्राप्ति होगी और संतान को लेकर के अगर दिल दिमाग में मन में कोई कष्ट है तो वो कष्ट निश्चित रूप से दूर होगा। तो सिंह राशि के जो लोग हैं वो गन्ने का रस और जल शिवलिंग पर अर्पित करें पूरे सावन भर या सावन के हर सोमवार को, आपको अद्भुत सफलता मिलेगी और आपका कल्याण होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग शिवलिंग पर सावन भर भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। पूरे सावन भर रोज संभव हो तो रोज शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें, और रोज नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। अगर कन्या राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से इनका तनाव कम होगा, बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव इनको परेशान कर रहे हैं वो तनाव कम होगा और इनके जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आप सावन में रोज या सावन के सोमवार पर भांग और धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करिए, आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता, आपका तनाव कम होगा, करियर में और जीवन में स्थिरता आ सकेगी। तुला राशि,
तुला राशि की अगर बात करें तो आप ऐसा करिए कि पूरे सावन में आप शिवलिंग पर इत्र या सुगंध अर्पित करिएगा और इसके बाद जल चढ़ाइएगा। पूरे सावन में रोज अगर आप शिवलिंग पर चंदन का इत्र अर्पित करें, गुलाब का इत्र अर्पित करें, उसके बाद जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। और अगर पूरे सावन में ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम सावन के जितने सोमवार हैं हर सोमवार को शिवलिंग पर इत्र सुगंध और जल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें, केवड़ा की सुगंध शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती। तो चंदन या गुलाब का इत्र, उसकी सुगंध अर्पित करें और उसके बाद जल अर्पित करें, बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, नौकरी की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। तो तुला वाले इत्र सुगंध जल अर्पित करें, विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्या समाप्त होगी और नौकरी में चली आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आप ऐसा करिए कि सावन भर शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करिएगा। पूरे सावन भर शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करें। रोज नहीं कर सकते, कम से कम सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं सावन में तो विवादों से, मुकदमेबाजी से और तनाव से बचे रहेंगे। बेवजह के विवाद, बेवजह की समस्या, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर रही है और पुरानी समस्याएं लौट लौट कर वापस आ रही हैं, आपको दिक्कतें दे रही हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि शिवलिंग पर पहले जल डालें, इसके बाद दोनों हाथों से शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करिएगा। आपके जीवन के तमाम तनाव, विवाद, झगड़े, झंझट, ये सब बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। धनु राशि, धनु राशि के लोग पूरे सावन में संध्या काल को, प्रदोष काल को शिव जी के मंदिर में जाएं, उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। अगर पूरे सावन में रोज ऐसा नहीं कर पाते तो सावन के हर सोमवार को शाम के समय शिव जी के सामने दीपक जलाइएगा और शिव जी की आरती करिएगा। आपका कल्याण होगा, आपको लाभ होगा। अगर आप ये छोटा सा काम कर दें तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और बाधाएं नहीं आएंगी। साढ़े साती जो है वो धनु राशि वालों का पीछा नहीं छोड़ रही है। कुछ ना कुछ कारण से बाधाएं, मुश्किलें बनी हुई हैं और रोज एक न एक बाधा आपके जीवन में आ रही है। तो धनु राशि के लोग अगर सावन के हर सोमवार को शिव जी के सामने दीपक जलाएं, शिव जी की आरती करें तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और किसी तरह की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। मकर राशि, आप क्या करेंगे सावन में, एक लोटा जल ले लें, उसमें जरा सा तिल डालें, तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे,
पूरे सावन में, और अगर पूरे सावन में ऐसा ना कर सकें तो सावन के जितने भी सोमवार हैं हर सोमवार को जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। संतान पक्ष आपका बेहतर होगा, वैवाहिक और पारिवारिक समस्या दूर होगी। 7.5 उतर रही है, टेंशन बहुत है, वो तमाम तरह की टेंशन, तमाम तरह के तनाव समाप्त होंगे। तो मकर राशि के लोग जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर पूरे सावन में चढ़ाएं या सावन के हर सोमवार को चढ़ाएं। संतान पक्ष, वैवाहिक जीवन, मानसिक चिंता, 7.5 का प्रभाव, ये सब दुरुस्त होगा और इन तमाम मुश्किलों से आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। पूरे सावन में भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। कम से कम 3 बेलपत्र या 9 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए और इसके बाद जल अर्पित करिए पूरे सावन में। और अगर पूरे सावन में ऐसा नहीं कर पाते तो सावन के जितने भी सोमवार हैं हर सोमवार को शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। 7.5 की वजह से टेंशन बहुत है, बेवजह का क्रोध है, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और क्रोध पर आप नियंत्रण कर पाएंगे, ये संभावना आपके लिए बनेगी। और कुंभ राशि के लोगों को बेवजह का डिप्रेशन, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं बहुत रहती हैं, ये बेवजह का तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं ये सब समाप्त होंगी और प्रसन्नता के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के लोग पूरे सावन में शिव जी को चंदन अर्पित करेंगे। पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर दोनों हाथों से शिवलिंग पर सफेद चंदन घिस करके इसे दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएंगे। आप सावन में रोज करें तो बहुत ही बढ़िया, और रोज नहीं कर पाते तो सावन के जितने सोमवार हैं हर सोमवार को शिवलिंग पर चंदन अर्पित करिए और उनको जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हैं, स्वास्थ्य थोड़ा डावाडोल है आजकल, तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और धन की किसी भी तरह की कमी आपको नहीं होगी, धन की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप रोज या सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें, आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।